ਕੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਾਏ ਲੱਡੂ ਬਾਏ ਇਰੋ ਪਈਆ ਹੱਥ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਈ ਮਹਾਨਾ कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और माता रानी की कृपा से हम सभी यहाँ पे ठीक हैं। गाइस जैसे आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हमने प्रीति का बर्थडे सेलिब्रेट किया था रात को और अभी हो चुकी है सुबह। सुबह क्या 11 बजने पे आ गए हैं। अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का, पर मेरे अलावा यहाँ पे कोई तैयार नहीं हुआ है फिलहाल। कितनी अच्छी बच्ची हूँ मैं सिंसियर से। गाइस जल्दी तैयार हो जाओ कि हम निकल पाए, है ना प्रीति? क्या बोल रहे हो आप? जम्मू वाले की बोली बखरी है भेने, तेनू की पता चला है? बखरी अलग है, बखरी क्योंकि हमारे सर भी वहां से हैं। गाइस हमारा ना एक ये सर एचओडी है, टीचर है पहले। हाँ हमारे पुराने एचओडी जो सर हैं वो अभी सर बन चुके हैं, हमारे टीचर बन चुके हैं। तो वो तो अभी क्या वो ना जम्मू से हैं, जम्मू से। मैं तो कठुआ हूँ। ब्लैक पतले वाला रबड़ बैंड है? कुछ नहीं है मेरे पास, गरीब हूँ मैं, मेरे पास कोई रबड़ बैंड नहीं है। मेरे पास एक रबड़ बैंड है जो मैंने लगाया है। तो गाइज प्लीज जल्दी कीजिए हम लोग जा पाए, और गाइज आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे क्योंकि अभी हमारा ब्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो चुका होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको आगे जाके हो जाएगा, और फिर आप मुझे ये बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगे है। हाय प्रीति, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। देखो हमारी बर्थडे का गाइस, और मुझे बताओ, मैं तो कैजुअल सी लुक में आई हूँ, हम कैसे लग रहे हैं गाइस? और आप बताना हमने आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगे, और स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस, बाय गाइस। गाइस थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा आपकी मेरी लुक में, ये हमारी रवि मैडम की मेहरबानी है हमारे पे, थैंक यू रवि। तो गाइस अभी हम बस निकलने लगे और आपसे मिलते सीधा हॉस्टल के बाहर। हेलो, बाय बाय कर दो, बाय बाय तो कर दे, बाय तो कर दे, बाय कर दे, मैं मारूंगी तेनू, छत्ती छत्ती बाय कर दे। बड़ी गंदी आ गई है कुड़ी है, बाय लड्डू बाय। गाइस अभी हमारी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई और निकल रहे हैं अभी हम सामने ऑटो के लिए, और फिर आगे देखते हैं क्या कैसे चलते हैं हम। और एक हमारी ये मैडम है, मतलब इतनी बिजी है ना आज लड़की, आज के दिन तो रहम कर ले हम लोगों पे, आ जा हमारे साथ। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, तो चलते हैं। ये अभी हम बैठ गए हैं और अभी हमारा सफर हो गया स्टार्ट, अब करते हैं हाय। गाइस अभी हम बस में बैठ चुके हैं, उनको कंफ्यूजन है, बोल रहे ये ना कंफ्यूजन कहीं और ही पहुंच जाए। ये अभी पहुंच गए हम अनंतपुर साहिब बस स्टैंड पे, और अभी हम यहाँ से लेंगे ऑटो और फिर चलेंगे विरासते खालसा। ये बैठी होगी ऑटो में और ये हम पहुंच गए, टिकट वगैरह करवा के हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं अंदर, और यहाँ का व्यू मैं आप सबको दिखाती हूँ। सो ये कुछ ऐसा है बाहर से, और ये साइड यहाँ पे पार्किंग भी होती है, और यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, यहाँ पे आप नॉर्मली चिप्स कुरकुरे ले सकते हैं। और ये हम एंटर अंदर कर चुके हैं, और एंट्री के आगे इतना प्यारा यहाँ पे ये व्यू आया है।
तो गाइस इस लोकेशन जगह का नाम है अनंतपुर साहिब में ये जगह है, इसको ये है विरासत खालसा। और यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये सभी सारी जगह दिखा दी। और आगे अगर पॉसिबल हो सका तो मैं बना दूंगी वीडियो, नहीं तो जय राम जी की। और बस अभी एंट्री करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, और आपको फिर एक्सपीरियंस बताएंगे। ऐसे तो मैं दूसरी बार जा रही हूँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था मेरा फर्स्ट टाइम भी, पर तो बताया नहीं था मैंने, अभी आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। ये जो सामने आगे बिल्डिंग है, यहाँ से म्यूजियम स्टार्ट होगा। पे घूमना हो गया और अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा में। थक गई हूँ मैं, कोई नहीं अभी हम जाएंगे, फिर हमने वापस भी जाना है, पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसलिए ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड गाइस और इंजॉय करो मेरे ब्लॉग को। ये म्यूजियम का एग्जिट साइड से व्यू कितना प्यारा यहाँ पे ये लग रहा है, और आप यहाँ पे आना और एंजॉय करना यहाँ की मोमेंट्स। ये है वो गुरुद्वारा, यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। और ये देखिए सामने, यहाँ पे ये नैना देवी माता का मंदिर है, और ये कुछ ऐसा था यहाँ से ये गुरुद्वारा, और ये हमारा प्रसादा, और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं लंगर करने। हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छे, और अभी हम बहुत खुश हैं रवि। तो गाइस मैं से कह रही हूँ कुछ ले ले अपने लिए, और ये सोच लिया कि वो क्या ले, थोड़ी देर में हम निकलेंगे शायद कुछ लेने के लिए, नहीं तो ऐसे हमने ले लिया। और मैंने और रवि ने सेम लिया, ये देखो चलिए ऐसे देखो, हाँ ये देखो ये हमने एक की वाला ब्रेसलेट लिया, हाँ और हमने तेरे लिए भी लिया कुछ, देखो तब बताएंगे क्या लिया है। और हमें ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया सबके साथ घूम के यहाँ पे, और दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए। तो फिलहाल हम चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और हम शायद लेट ना हो जाए, तो हम घूम गए लेट ना हो जाए तो अगर बस नहीं मिली तो ऑफकोर्स लेट होंगे, मैम क्या कर सकते हैं, मैम लेट तो हो गए। चलो जो का पार्ट हम जा रहे हैं, बाय गाइस। कुछ वेट के बाद बस तो हमें मिली गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े लेट हो गए थे हॉस्टल में पहुंचने के लिए, पर तभी भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। और ये मेरा सेकंड ट्रिप था अपने रूममेट्स के साथ गुरुद्वारे में जाने का, और अपने यूट्यूब की फैमिली के साथ फर्स्ट था, क्योंकि थोड़ा बहुत ही ट्रैवल किया है मैंने अपने घर से हॉस्टल में, हॉस्टल से घर में, थोड़ा बहुत चंडीगढ़ घूमे हैं, पर ये फर्स्ट ट्रिप था आप सबके साथ।